यादें दिलों के साथ एक गांठ की तरह बंध जाती हैं। आज के आईने में जब मैं गुजरे हुए कल को देखता हूं तो अच्छा लगता है। कैसे त्योहारों में बड़े चाव से नए कपड़े खरीदने के लिए मम्मी और पापा के साथ अलग अलग दुकानों में चक्कर लगाते। बहाना मेरा होता था, पर साथ में माँ भी अपने लिए रेशमी बनारसी साड़ी और राजस्थानी कंगनों को खरीदना नहीं चूकती थी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ औरतों के साथ शॉपिंग करना क्या होता है। अलग अलग दुकानों में चक्कर लगाते जब पापा की चप्पल घिस जाती, तब चप्पल बाजार में लगे हाथ हमें भी नए जूते मिल जाते थे। एक ही दुकान में कहां ये सब मिलता। वो करीम चाचा के साथ उनसे भी बूढ़ी उनकी ट्रक में सवार होकर मेले तक जाना, ऐसा लगता था कि जैसे वर्ल्ड टूर पर निकले हो। मेले में बायोस्कोप पर रंग बिरंगी पिक्चरें देखने के लिए हम उछल पड़ते, गोल चकड़ी में घंटों तक चक्कर लगाते, गुब्बारे खरीदते, काला खट्टा, बुढ़ी के बाल और बर्फ के गोले बड़े मजे से खाते और फिर बीमार पड़ने पर मम्मी की डांट भी। नानी के साथ राशन की लाइन में गेहूं और तेल खरीदने के लिए ऐसे खड़े रहते थे जैसे कोई मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए खड़ा हो। फिल्में देखना भी कोई जद्दोजहद से कम नहीं होता। धूप, सर्दी या बारिश हो, पर टिकट ना मिलने पर रेल जितनी लंबी कतारों में खड़े रहते या फिर ब्लैक में खरीदते। कभी कभी गली कूचे में सफेद पर्दे पर दिखाई जाती तो वहां भी डेरा डाल देते थे, क्योंकि फिल्म तो देखना ही है। लंदन वाले हैरी चाचा साल में एक बार जब इंडिया आते तो घर में जैसे विदेश के सामानों की दुकान लग जाती थी। परफ्यूम्स, फॉरेन चॉकलेट्स, वीडियो गेम्स, ब्रांडेड चीजों के दर्शन सिर्फ उस वक्त ही होते थे। बैंक में से पैसे निकालने हो तो भैया टोकन लेकर नंबर का इंतजार करो, और वहां गर्लफ्रेंड इंतजार करती, फिर गुस्सा ठंडा करने के लिए शॉपिंग पर ले जाओ। रास्ते पर फेरी वालों के साथ उसे बार्गेनिंग करता देखकर एम्बैरेसिंग सा लगता था। तब मुझे दूसरी बार एहसास हुआ कि भाई साहब, औरतों के साथ शॉपिंग करना जंग जीतने के बराबर होता है। और उसके बाद ईरानी रेस्टोरेंट में खाना और गणपत की टपरी की दो कटिंग चाय, यही हमारी आउटिंग होती थी। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। आज अलग अलग चीजें खरीदने के लिए पूरा शहर घूमना नहीं पड़ता है। शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, फूड कोर्ट्स और रिटेल स्टोर्स ने हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया है। बंटी के जूते हो या मुन्नी के कपड़े, पूजा की ग्रोसरी शॉपिंग हो या मम्मी पापा को पिक्चर ले जाना हो, फैमिली आउटिंग से लेकर पिकनिक, सब कुछ हो जाता है। बदलते जमाने के साथ हमने भी बदलना सीखा है, और ये बदलाव किया है रिटेल इंडस्ट्री ने। आज सचमुच इंडियन होने पर ज्यादा गर्व होता है। Proud to be an Indian once again, because after independence, the second biggest revolution to happen to India is the retail revolution. It has skyrocketed India into one of the fastest developing and emerging economies. Today, the retail industry contributes about 10% of the GDP and 8% of the employment of the country. Today, retail has morphed from mom and pop stores to high-end mega malls, specialty stores, and even e-retailing. The world has come on the consumer's fingertips, and no product seems out of his reach. Retailers in India have truly given a new meaning to the term one-stop shop. Indian retail has come a long way. The Economic Times, India's leading business daily, and Kingfisher Airlines come forward in the first of its kind to felicitate the pioneers in the field of retail in India at the ET Retail Awards 2010. The ET Retail Awards 2010 thrives at raising the bar for retailers who have struck a balance in profits for the manufacturers and optimal value for money for the consumers. So put your hands together, one and all, for the most coveted and prestigious awards to honor the Rajas of Retail.
The Economic Times, in association with Kingfisher Airlines, feels proud to present ET Retail Awards 2010. Supported by Retailers Association of India.